व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं बायफ्रॉस्ट। आज आपको बताऊंगा 5 सबसे बेस्ट बजट गेमिंग एंड इमुलेशन स्मार्टफोन्स जो आपको यूज करना चाहिए इन 2023 फॉर बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड जैसे आप लोग जानते हो, ये मेरा फर्स्ट हिंदी वीडियो है, तो सपोर्ट जरूर शो करना ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते जाऊं। गाइस, हमें बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए एंड ऑल्सो इम्युलेशन परफॉर्मेंस, जिसमें निंटेंडो स्विच की गेम्स जरूर चलनी चाहिए। 3DS इम्युलेशन मिले वो भी 60 FPS में, तो हमें चाहिए होगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। बट उनको हराने वाला भी प्रोसेसर है, मीडियाटेक डिमेंसिटी वाला, मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लिस्ट। नंबर 5 पे मैं रखूंगा पोको M6 Pro को, जो स्टार्ट होता है 10,999 रुपीज में। एंड इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट ग्रेटेस्ट 4 नैनोमीटर का चिपसेट, जो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ मोबाइल्स मैंने पर्सनली बनाया है। 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर मतलब आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ही बढ़िया मिलेगी, 5000 mAh का बैटरी है। एंड मेरे हिसाब से इसको 10 out of 10 बजट रैंकिंग मिलना चाहिए, क्योंकि 11,000 रुपए में ये बेस्ट फोन है। बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस, कैमरा अमेजिंग, 10 out of 10 जरूर बाय करना चाहिए अगर आपका बजट 10 से 11 हज़ार रुपये का है। इससे अगर आप 2,000 ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आपको मिलेगा थोड़ा और रिफाइंड एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस, जो है IQ Z6 Lite। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर, जो Gen 2 जितना पावरफुल तो नहीं है, बट इसमें आपको मिलेगा 120Hz का डिस्प्ले। एंड ऑल्सो ये सेम फोन मैं ओन करता हूँ, इसमें मैंने इम्युलेशन टेस्ट भी किया है एंड सब गेम्स चल गए एक्सेप्ट फॉर पोकेमॉन स्कारलेट, निंटेंडो स्विच वाला जो नहीं खुल पाया, पोकेमॉन स्वॉर्ड वगैरह सब कुछ चल गया। तो अगर आपका बजट थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप IQ Z6 Lite के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है सॉफ्टवेयर वाइज, कैमरा वाइज, कंपेयर टू पोको M6 Pro। तो ज़रूर आप ये चेकआउट कर सकते हो, बट अगर आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए तो पोको M6 Pro के साथ जाइए। उसके बाद अगर हमारा बजट थोड़ा और बढ़ेगा 17-18 हज़ार के अराउंड, तो आता है IQ Z6 5G। इसमें आपको मिलेगा 120Hz का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर, जो 6 नैनोमीटर प्रोसेसर है, वेराज स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है 4 नैनोमीटर प्रोसेसर, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आपको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्ले एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा कम्पेयर टू पोको M6 Pro। एंड आप लोग इसका स्पेक्शीट देख सकते हैं, फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है, मोशन कंट्रोल है, IP54 वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, 8GB का रैम भी मिलेगा, हेडफोन जैक भी मिलेगा, और एक सबसे बढ़िया चीज़ इसमें है एमोलेड डिस्प्ले। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका 17 से 18 हज़ार का बजट है, इस फ़ोन के साथ आप आँख बंद करके जा सकते हो, गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा एंड इमुलेशन तो ऑब्वियसली 30 FPS में आराम से चल जाएगा। अगर आप पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू वगैरह खेलते हो, अगर स्वॉर्ड एंड शील्ड खेलना है तो 10-15 FPS, दैट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, फ्लैगशिप फ़ोन तो है नहीं है, 17 हज़ार में और क्या चाहिए तुम लोगों को। नेक्स्ट, अगर हम 10,000 से और बजट बढ़ाएंगे तो आता है OnePlus Nord CE 3 5G, जिसमें बहुत ही खतरनाक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G चिपसेट। ये बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, इसमें आप 100% 30 FPS का एनी काइंड ऑफ इम्युलेशन एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। आई मीन ऑब्वियसली 27,000 का फ़ोन है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलना ही चाहिए। 120Hz का डिस्प्ले है, 5000 mAh का बैटरी है, LPDDR4 का रैम है। बट अगर आपका बजट सपोर्ट करता है तो इसमें और एक ऑप्शन है, जो आता है मीडियाटेक डिमेंसिटी प्रोसेसर के साथ, वो है IQ Neo 7 5G, जो है डिमेंसिटी 8200 प्रोसेसर वाला 4 नैनोमीटर प्रोसेसर। डिमेंसिटी 8200 ये जो प्रोसेसर है, उसमें गेमिंग आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा 90 FPS BGMI PUBG में। इसके साथ आपको मिलता है बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इम्युलेशन, बट अगर आपको गेमिंग ही करना है, इम्युलेशन नहीं करना है, IQ Neo 7 5G बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं। नहीं तो OnePlus तो OnePlus होता है, मेरे पास भी OnePlus का 11 है एंड मैं एक दिन भी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने ये फ़ोन क्यों खरीदा। लास्ट में आता है अपना बीस्ट फ़ोन 35,000 रुपीज़ का। आप ये फ़ोन खरीदोगे तो आपको फर्स्ट क्लास 90 FPS गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके साथ इम्युलेशन में भी गारंटीड 60 FPS मिलेगा। आप पोकेमॉन स्वॉर्ड खेलो, आप सुपर मारियो ओडिसी खेलो, लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड खेलो, AGNS सिमुलेटर में आपको 100% 30-60 FPS ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें आता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर। बाप रे बाप, ये फ़ोन फ्यूचर प्रूफ भी है, भले ही 2-3 साल चला लो फिर भी इसका परफॉर्मेंस कम नहीं होगा। फ्लैगशिप 50 MP का कैमरा भी आएगा, सोनी का कैमरा है आई गेस, एंड बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इस फ़ोन के साथ। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इनमें से कौन सा फ़ोन चूज़ करेंगे, एंड अगर मैंने कोई बजट फ़ोन मिस किया तो वो भी ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।